हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो पोम शेयर कर रही हूँ उसका नाम है ग्रैंडमा। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ग्रैंड मदर इन द पोम इज़ अ पीसफुल केयरिंग लविंग पर्सन हु कीप हर सेल्फ बिजी बाई निटिंग। शी निट नॉट फॉर द पर्सन बट फॉर लिटिल क्रिएचर लाइक वास birds, octopuses, grandma is very skilled, efficient and quick in knitting. okay, तो यहाँ पर जो है ये जो poem है वो किसके बारे में है, grandma के बारे में है, जो कि बहुत ही शांत, बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाली, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली पर्सन है, इंसान है, जो कि अपने आप को बिज़ी रखती हैं कैसे, बुनाई करके, निटिंग करके, है ना। और वो लोगों के लिए नहीं बुनती, लेकिन किसके लिए बुनती है, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ऑक्टोपस के लिए स्वेटर्स वगैरह बनाती है। तो और वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है ये निटिंग का जो काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोम के अंदर क्या है। माई ग्रैंड मदर्स अ पीसफुल पर्सन एंड शी लव टू सिट बट there never was a grandma who was such one to knit scarves, caps, suits, socks. Her needle ticked like 50 clocks, but not for you and not for me. What makes her knit so busily? तो ये जो poet है, जो कि poet का नाम है Ted Hughes, और ये जो है जो पोइट है, जो ह्यूज है, वो अपनी ग्रैंडमा के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शांत और पीसफुल पर्सन है, और जो कि बैठना बहुत पसंद करती हैं, लेकिन कभी भी हमने अपनी ग्रैंडमा को बैठे हुए, बिना निटिंग के बैठे हुए नहीं देखा। वो जब भी बैठती तो हमेशा क्या करती, निटिंग करती रहती। क्या क्या बनाती थी, स्कार्फ्स बनाती थी, कैप्स बनाती थी, सूट्स बनाती थी, सॉक्स बनाती थी, और उनके नीडल जो थे, उनकी जो सुइयां थी वो बहुत ही फास्ट चलते थे, जैसे क्लॉक की सुई चलती उसी तरह से चलती रहती थी। लेकिन ये ना आपके लिए बनाती थी, ना मेरे लिए बनाती थी, वो किसके लिए बनाती थी वो अभी तक पोएट को नहीं पता है। ऑल समर वास टॉयल टायरलेसली टू अर्न देयर डेली डिनर, देयर ब्लैक एंड येलो जर्सी गेटिंग शैबियर एंड थिनर, ग्रैंडमा नो जस्ट हाउ अ वास ग्रो वेरी ऑफ इट्स वन सूट ऑफ क्लो, शी निट्स फ्लावर स्कर्ट एंड स्पेकल्ड पैंट, नाउ दे कैन गो ऑन द बीच और डांस। अब जो है वो वास्प जो है वो सारे समर में वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करता है ताकि वो खाना जमा। वास्प क्या है, एक तरह का इंसेक्ट होता है, ठीक है, और उसका जो ब्लैक और येलो कलर का जो जर्सी होता है, जो कपड़ा होता है, वो क्या होता है कि डल होता जाता है, शैबियर मीन्स डल होता जाता है और पतला होता जाता है। और ग्रैंडमा को ये बारे में पता है कि उसका जो कपड़ा है, उसका जो कवर है, वो किस तरह से डल होता जाता है, और वो हमेशा एक ही सूट पहन कर क्या है, परेशान हो गया है। ठीक है, अब जो है वो क्या बनाती है, उसके लिए एक स्कर्ट और पैंट बनाती है, किसके लिए, वास्प के लिए, कि वो अब वो पहनकर कहाँ जा सकता है, बीच पर जाके वहाँ पर डांस कर सकता है। ठीक है, अंडर द आइस द गोल्ड फिश हेयर डिसम्बर ब्लिजर्ड बीटिंग, दे हैव नो फायर एट ऑल डाउन देयर, नो रूम्स विथ सेंट्रल हीटिंग, सो वेन फ्रॉस्ट निप द लिली रूट्स, ग्रैंडमा निटिंग वोली सूट्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जो गोल्ड फिश है तो वो क्या है कि जब जाड़ों में, दिसंबर में जो है स्नो स्टॉर्म होता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो क्या होता है कि फ़िश तो पानी के अंदर रहती है, उसको तो वहाँ कहीं फायर मिलता नहीं है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी रूम नहीं है जहाँ पर हीटिंग हो, और जब इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ग्रैंडमा क्या बनाती है, उसके लिए वोलन क्लोथ बनाती है। ग्रीन ब्लू द गोल्ड फिश अडोर देम, विंटर लॉन्ग दे आर थैंकफुल फॉर देम, व्हेन स्नोई विंड्स आर स्लाइसिंग इन दो ऑल द लिटिल क्रैनीज, द श्रब एंड बर्ड इन आर नेबर्स गार्डन एंड वी दोज इन माई ग्रैनीज। ठीक है, तो
अब जो है क्या है कि जो फिश है वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होती है ग्रैनी की, क्योंकि वो उसके लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े, जब सर्दी से उसको किसी तरह का बचाव नहीं था तो ग्रैनी ने उसको क्या कर बना के दिया था, उसको वुलन सूट बना के दिया था। ठीक है, तो इसी तरह के लोग जो हैं, इसी तरह के नेबर जो हैं किसके थे, ग्रैनी के थे। हर श्रब्स हैव स्कार्फ्स एंड पुल ओवर। ठीक है, श्रब्स क्या होता है, एक तरह का प्लांट होता है, जैसे रोज़ है, इस तरह का प्लांट होता है, तो वो भी ग्रैनी जो है उनको भी स्कार्फ और पुल ओवर पहना देती थी। हर बर्ड हैव एयर मफ ओवर देयर हेड, और जो बर्ड्स होती थी उनके कान को कवर करने का एयर मफलर भी बना देती थी। एंड कैट्स दैट कम आस्किंग फॉर टिट बिट्स प्लीज गो ट्रॉटिंग अवे विथ लिटिल लिटिल बूटीज। ठीक है, और जो कैट भी उनके पास आती थी तो वो क्या पहन कर जाती थी, वो जो है वो मोजे वगैरह पहन कर जाती थी वहाँ से। अ फ्रॉस्टी ऑक्टोपस रिसीव अ स्टाउट, और एक ऑक्टोपस को क्या मिला, एक स्टाउट मिला, एट फिंगर मिटन। ठीक है, और उसमें क्या बने हुए थे कि वो आठ, जो उसकी आठ उंगलियां हैं उसके लिए भी उस ग्रैनी ने कवर बना दिया था। अ कैमल हूज इम्पॉर्टेंट हम्प टेंडेड टू गेट फ्रॉस्ट बीटन, और कैमल का जो हम्प होता है पीछे तो उस पर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। हैज अ टी कॉसी विथ टैसल ऑन इट, और उसके उसके ऊपर भी ग्रैनी ने क्या बना दिया था, वुलन का कवर बना दिया था कि वो अपने हम को ढक सके। अ ग्रास स्नेक हैज अ सॉक विद अ बॉनेट, और जो ग्रास स्नेक है उसके पास भी क्या हो गया था, एक सॉक मिल गया था उसको, सॉक उसको। फॉक्स कैन बाई क्लोथ एट सम शॉप और अदर्स, द क्रिएचर डिपेंड्स ऑन माई ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ग्रैंड मदर की सोच ये थी कि जो लोग हैं वो कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे बर्ड्स है और फिश है, ऑक्टोपस है, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, तो ये तो कहीं से जाकर ख़रीदते नहीं। ठीक है, इसीलिए ग्रैंडमा जो है वो किसके लिए नेट करती थी, इन छोटे छोटे क्रिएचर्स के लिए नेट करती थी। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।